शिवाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चौदहवें श्लोक से प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्यमचित्तो युक्तवासी तमत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निरवाड परमां मत्संस्थामधिगच्छति नातिष्णस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन योक्ताहार विहारस्य योक्तचेष्टस्य कर्मसु योक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तं आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्प्रहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा। उस साधक की उपलब्धियों को भगवान गिनाते हैं जिसने साधना का अभ्यास प्रारंभ किया, जिसने धारणा और आसन पर ध्यान को केंद्रित किया और उस साधक का मन अब एकाग्र हो जाता है। ऐसे साधक के अंतःकरण में क्या क्या प्रस्फुटित होता है, क्या क्या पुष्प निकलते हैं, उस साधक का लक्षण क्या होगा, उस साधक का व्यक्तित्व कैसा होगा जो ध्यानाभ्यासी है, जिसका मन एकाग्र हो जाता है। प्रशांत आत्मा, यह तो पक्की बात है कि जिसके मन में शांति एवं सुख नहीं है वह व्यक्ति ध्यानाभ्यास तो नहीं कर सकता। इसलिए भगवान आगे भी इस बात को कहेंगे, किसी भी तरह से मन को शांत होना चाहिए। इसलिए वेदांत में यह प्रश्न कई बार उठाया गया होगा, कक्षा में भी, शांत मन से ध्यान है कि ध्यान से मन शांत है। अब देखो, भगवान तो ध्यान के पहले ही अपेक्षा कर रहे हैं कि आपका प्रशांतात्मा, और हम लोगों के साथ यह है कि ध्यान करने से मन क्या हुआ, शांत हुआ। इसलिए मैं पिछली कक्षा में कह रहा था मन की शांति के लिए ध्यान किया जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। वो एक्सरसाइज से हो सकता है, वो म्यूजिक से हो सकता है, वो किसी अच्छे व्यक्ति के मिलने से हो सकता है, वो जब से भी हो सकता है, वो वॉक करने से भी हो सकता है, प्राणायाम करने से भी हो सकता है, भोग करने से भी हो सकता है। तो मन की शांति तो बहुत चीजों से हो सकती है। इसलिए यह कहना कि ध्यान से मन शांत, तो बहुत सस्ता सौदा हो गया।
लेकिन भगवान को अपेक्षा है कि जिसने इस एकाग्रता का अभ्यास कर लिया, ध्यान के पहले ही उस साधक के चित्त में प्रशांति विराजती है। आत्मा मतलब अंतःकरण से प्रशांत आत्मा, उसके मन में एक और प्रसन्नता है कि साधना संबंधी जो संशय था उसके मन में कि मैं ठीक ढंग से चल रहा हूं या नहीं, वह भय भी उसके मन से क्या हो गया, निकल गया। विगत अभी ही गुरु के आधीन रहकर गुरु की सुसेवा करके वह ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहा है। मनः संयम्य, मन जिसने नियंत्रित किया, संयम किया, तो मैं ये दो विशेष उपलब्धियों की बात कर रहा था, मच्चित्त। अब चित्त नाम की चीज का मालिक वह नहीं रह गया। चित्त का मालिक वो नहीं रह गया। बोले ऐसा क्यों हो गया भाई? बोले जो चित्त था वह चित्त किसी को उसने क्या कर दिया, दे दिया। ले अब ये तो एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति हुई कि चित्त को दे दिया, यहां तो चित्त आपके पास में ही है। सामान तो दे दिया तो दिखता है कि सामान का अभाव हो गया, चित्त का अभाव तो नहीं दिखता है। तो अब इसका अर्थ हुआ कि चित्त की प्रत्येक वृत्ति का जो विषय है वह व्यक्ति है, ऐसा समझे। चित्त की आने वाली प्रत्येक वृत्ति का विषय वह है। उदाहरण दे रहा हूं, स्त्री चित्त, पुरुष चित्त, धन चित्त। जिस साधक ने अपना चित्त धन को दे दिया, उसकी चित्त वृत्ति का जो विषय रहेगा वो सदैव क्या रहेगा, धन रहेगा। जिसकी चित्त वृत्ति में स्त्री है तो फिर स्त्री चित्त, पुरुष चित्त, ठीक है। अब ईमानदारी से ये आपको भी चेक करना है, हमारा कौन सा चित्त है, तो ही तो स्थिति आगे बढ़ेगी अपनी। तो बोले कैसे पता करें? इसको ऐसे पता करें कि ज्यादातर चित्त में चलने वाली वृत्ति कौन सी है। स्पष्ट हो गया? ज्यादातर चलने वाली चित्त में वृत्ति कौन सी है निर्धारित करके देख लो आप, वहीं आपका चित्त आ सकता है। अच्छा, इसको दूसरी भाषा में भी कह दूं, देखो इसी मत चित्ता को ही प्रेम कहते हैं, यह प्रेम की भी पहचान है कि जिस चीज से भी साधक प्रेम करता है, चाहे वह व्यक्ति होवे चाहे वह वस्तु होवे, उसके चिंतन की वृत्ति उसी में ही लगी रहती है। तो मत चित्त का एक अर्थ क्या हो गया, प्रेम भी हो गया, बना ना। इसलिए उदाहरण दिया गया गोपियों का। अब यदि ईश्वर उसकी चित्त के वृत्ति का विषय है तो ध्यान रखें, अब उसके चित्त में किसी के लिए कोई स्थान नहीं बचा, न कोपी विषय, कोई भी विषय उसके मन में हां स्थान नहीं बना पाता। यदि ऐसी स्थिति आ गई भैया, हां जी, तो ऐसी स्थिति को मत चित्त कहते हैं। इसमें कोई संशय हो पूछे, मनन किया हो आपने, ऐसी स्थिति को मत चित्त कहेंगे। इसको दूसरी भाषा में मैं क्या कह रहा हूं, प्रेम। इसमें कोई संशय रह जाता है? अब यह भी देखा जाता है कि जिसको हम प्रेम करते हैं उसको परम नहीं मानते, परम मतलब अल्टीमेट। प्रेम किसी को करते हैं, परम किसी और को मानते हैं, यह भी संभव है। स्वामी जी ने तो इसका बड़ा निगेटिव दिया कि कोई व्यक्ति व्यसनी है, व्यसनी मतलब नशा इत्यादि करता है,
नशा पानी करता है, बहुत सुंदर, नशा पानी करता है, छोड़ दो, मत करो उसको लाइफ, हटा दो हटा दो, इसको पहले से आके करना चाहिए, छोड़ दो हटा दो इसको, अरे ये इसमें से हो जाएगा बाद में कर लो, छोड़ दो, जाओ जो कर्तव्य दिया गया है उसी को पूरे से ठीक से। कोई नशा पानी करता हो, पत्ती करता हो, अब नशा पानी करने वाले का जो चित्त होगा वो क्या होगा? हाँ, तो मत चित्ता की जगह क्या होगा फिर? मद चित्ता, मद चित्ता कर लो भाई, मद चित्ता हो गया। लेकिन यह भी है कि व्यसनी मद चित्ता होते हुए भी मत परमा नहीं मानता, वो जानता है अंदर अंदर कि नशा श्रेष्ठ। नशेड़ी से पूछ के देखो आप, अच्छा नशा करते हुए भी वह व्यक्ति ये मानता है कि यह श्रेष्ठ, तो देखो तो उसके उसके लिए क्या घटेगा? ये मत चित्ता तो घट गया, लेकिन मत परमा नहीं घटा। अच्छा भगत भगत भक्ति के लिए कोई ईश्वर से प्रेम तो करता होवे, लेकिन ईश्वर को श्रेष्ठ नहीं मानता। दिखाऊं? गीता में ही दिखाता हूं। देवान देव यान्ति पितृन यान्ति पितव्रताः। वो साधक पूछता है, भगवान यदि आप इतने बड़े ही हैं और आपकी पूजा करने से सब कुछ मिलता है, तो फिर आप ही को सब क्यों नहीं मानते श्रेष्ठ? भगवान ने कहा, बात सही है, कुछ लोग प्रेम तो मुझसे करते हैं, लेकिन आराधना के नाम पर, श्रेष्ठता के नाम पर देवताओं की पूजा करते हैं। देवान देवयज यान्ति। अच्छा इसमें क्या हुआ आप बताओ? जो देवता की पूजा करता है भला, उसके उसके चित्त में ईश्वर का क्या स्थान होगा? क्या स्थान नहीं होगा? ऐसे साधक के बारे में जरा सोचिए। तो ईश्वर से प्रेम नहीं करता है ऐसा नहीं है, लेकिन ईश्वर को श्रेष्ठ नहीं मानता। श्रेष्ठ मतलब, अच्छा परम मतलब क्या कह लें? चलो और अल्टीमेट को और खोलो। मेरी सभी समस्याओं का हल इसमें है, वही व्यक्ति मेरे लिए श्रेष्ठ बन गया। तो उसको लगता है कि अन्य देवताओं की उपासना करने से मेरा काम, तो एक बात तो सिद्ध हो गई कि अपने इष्ट के प्रति उसके प्रति मन में पूर्ण समर्पण का भाव तो नहीं है। सोचिए जरा, अगर इष्ट के प्रति समर्पण का भाव होता तो वो सिर्फ किसकी पूजा करता? इष्ट की करता। कहीं ना कहीं मन में चोरी तो है, और चोरी अपनी अपनी पहचानो। हमारे मन में भी ऐसा ही प्रश्न आया, तब स्वामी जी ने उसका निदान दिया कि जो ज्ञान के लिए सन्यास के लिए सभी का आराध्य शिव ही होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो इष्ट है वो कौन है? कृष्ण है। इसीलिए बोलते हरिहर की उपासना, सुना है आपने मंदिर, हरिहर की उपासना। लेकिन यह भाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो शिव दे सकते हैं वो कृष्ण नहीं दे सकते, जो कृष्ण दे सकते हैं वो शिव नहीं दे सकते। यदि यह वृत्ति मन में बसी हुई है तो आप ध्यान रख लो, आपने दोनों में क्या कर दिया है? भेद कर दिया है, दोनों की शक्तियों को कम मापा है। पक्की बात, ये साधक के लिए सोचने का विषय है।
हमारे इष्ट के प्रति यह मत परमा की बुद्धि होए। अच्छा, कभी कभी चिंतन के लिए कह रहा हूं, ये पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है। आखिर हमारी इष्ट के प्रति मत परमा की बुद्धि जागृत क्यों नहीं हो पाती? अब अभी चिंतनीय विषय है, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। ऐसे वह मत परमा की वृत्ति क्यों नहीं जाग पाती है? भाई तो दूसरा वाला ईश्वर कौन सा सामने है जिसमें उसकी बुद्धि हो गई? ये भी बात सही, ये भी बात सही। इसका मतलब एक बात तो पक्की मुझे ऐसी आती है, उसने अपने इष्ट को ठीक से जाना नहीं। दूसरे के घर जाने का मतलब ही युवा की जो पहले घर में आपको पूर्ण समर्पण, दूसरे के पास गया ही क्यों गया? फिर पहले वाले में कहीं अभाव बुद्धि उसको दिखती थी तभी तो गया ना। या हम उस ईश्वर को पूर्ण समर्थ नहीं समझते? कहीं बुद्धि होगी ऐसी? अप्रोच तो कहीं भी नहीं है। देखो अपना सही बात तो ये, न देवता तक भी अप्रोच नहीं है। देवता तक ही कहां बड़ा अप्रोच है। अब यही कह लीजिए और क्या, मुझे तो यही बुद्धि समझ में आती है। या तो आपका जो ईष्ट है उसके प्रति आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, और ज्ञान भी है तो जैसा ये कह रहे हैं जानानी, ये भी ठीक है कि हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि भाई ये हमारा काम कर देगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए आपका इष्ट फिर उसी देवता को ही होना है। ये मत बोलो कि इष्ट कोई और है और फिर ये उसी को मान लो, फिर किसी को मान लो। भगवान का यहां कतई आपत्ति नहीं है, ध्यान रखना, उनके मन में बुद्धि नहीं जागती। पर उन्होंने एक बात चुटकी लेके कह दी है, चुटकी लेते हुए ये बोली, मुझे आता है, यथा वृत्ति तथा गति। तो भैया जिससे मोहब्बत करते हो, जिससे प्रेम करते हो, मरने के बाद तुमको वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, मैं उसी से ही बोल रहा हूं आपको एकदम। जिससे मोहब्बत करते हो, जिससे प्रेम करते हो, मरने के बाद भी फिर तुम वहीं जाओगे। देवान देवयजा यान्ति, देवता का यजन करने वाला यान्ति कहां जाता है? देवता के पास। पितृन यान्ति पितव्रताः, पितरों की उपासना करने वाला पितरों के पास जाता है, इष्ट के पास नहीं और देवता के पास भी नहीं। अच्छा, नीचे वाली पंक्ति क्या है? भूतानि यान्ति भूतेज्या, ज्या मतलब यजन, भूत का यजन करने वाले। हाँ, फिर मरने के बाद तुम कितना भी चिल्लाओ नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे मोहब्बत करते हो, भूतानि यान्ति भूतेज्या, और ये भी बोलते हैं, और मेरा चाहने वाला वे तो फिर मेरे पास ही आएगा। अब तुम्हारे ऊपर है। चुटकी लेके भगवान ने बात आपको स्पष्ट कर दी। और बहुत अच्छा क्रम है कभी गीता को इस रहे। तो वो साधक कहता है, ये तो फिर गीता छूट जाएगी आपकी है। फिर वो साधक बड़ा अच्छा निर्बोध प्रश्न करता है कि महाराज, तो जब आपके पास आना है तो सभी लोग आपकी उपासना क्यों नहीं करते? सबको पता नहीं है क्या? ये बोलते हैं, महाराज एक चीज है, हमारे से मिलने में टाइम लगता है, इन लोगों को मिलने में टाइम नहीं लगता। ले बोले, टाइम नहीं मिलता मतलब
इनकी उपासना जल्दी सिद्ध हो जाती है, इनकी उपासना से जो उसके मन में है वह सब चीजें उसको मिल जाती हैं। मेरी उपासना में टाइम लगता है। अच्छा, और अंतर सुना दूं आपको, ये अंतर समझ में आता है? इनकी उपासना करो तो जल्दी मिल जाती है। तो किसी भक्त ने मानो संवाद किया तो आप भी जल्दी दे दो, आपको क्या दिक्कत भाई, आप भी दे दो कि आपके पास नहीं है। बोलते हैं मूर्ख, एक बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर बताओ किसके लिए? तो देवता के लिए भी कुछ कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है। तो सब तो थोड़े ना मिलेगा, सब देवीर कहां देगा देवता? देवता आपको पता है सब कुछ थोड़ी ना देगा आपको, फिर जो चाहिए फिर वही देगा भगवान? नहीं नहीं, ऐसा कुछ छुड़ाते उड़ाते नहीं है भाई। देवताओं की सिद्धि और ईश्वर से प्राप्त सिद्धि में क्या अंतर है? श्लोक बोलो तभी तो परीक्षा होगी भाई। और आप सब गीता पढ़ चुके इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। चलो आपको खुला चैलेंज, खोज लो, चलो उसी में मिल जाए तो मिल जाए, इतना हिंट दे देते हैं, चलो खोज के बता दो ना। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। देखो अंतवत्तु, देवताओं से जो सिद्धि प्राप्त होगी वो कैसी होगी? उपासना के छोड़ने पर वह सिद्धि भी वापस हो जाएगी। वाह, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ तुम उपासना करो, मेरी पूजा करो या कुछ भी ना करो, मन तो है ना मच्चित्त भैया, देवताओं की पूजा में वैसे का वैसा ही देना पड़ता है। तो इस उंगली से ही देना है, तो लाल ही देना है, तो दुर्वा से ही देना है, तो यह समय ही होना चाहिए। ये किसमें है नियम? देवताओं की पूजा में। अच्छा, भगवान की पूजा में वहां कोई नियम नहीं है महाराज। मच्चित्ता के लिए कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई विशेष सामग्री भी नहीं चाहिए। ले पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, कौन सी ऐसी चीज बताई जो गरीब से गरीब व्यक्ति के पास नहीं है? पत्रम, पुष्पम, अरे कई संत लोग पत्र ना दो भाई, पुष्प महंगा है, फल नहीं खाते। तो तोयम तो दे सकते हो, जल देने में क्या दिक्कत है? कितनी आसान हो गई पूजा आपसे बताऊं, अगर कोई करना चाहे तो। और कोई चीज नहीं है आपके पास में, तदस्थानम पुष्पम समर्पयामि, तदस्थानम पुष्पम समर्पयामि। प्रश्न ये नहीं है कि पत्रम, पुष्पम, फलम, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये दूसरी पंक्ति, यो मे भक्त्या प्रयक्षति। मैं बहुत सावधानी, देवताओं के साथ ये कतई नहीं चलेगा, देवताओं के साथ नहीं चलेगा। देवता को जो सामग्री जैसी चाहिए वह सामग्री वैसी ही चाहिए, कोई समझौता नहीं होगा। अगर बलि है तो फिर बलि है, रक्त है तो रक्त है, मदिरा है तो अब